नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के बूंदी जिले के नेनवा क्षेत्र में शादी में अच्छे सामान देने के नाम पर गरीब परिवारों के साथ हुई ठगी की वारदात। शादी के लिए दहेज के अच्छे सामान, प्लाट और अन्य सामान के नाम जयपुर के नव मानव संस्थान द्वारा दो गरीब परिवारों से 1,40,000 रुपये समय पर सामान नहीं देकर संस्थान के लोग फरार हो गए। सामान नहीं मिलने पर बेटियों की अब तक शादी नहीं हो पाई। पीड़ित मां ने बताया कि हमने किसी परिचित से दो बेटियों की शादी करने के लिए 70,000 रुपये उधार लेकर नव मानव सामाजिक सेवा संस्थान जयपुर के सदस्य राजकुमार शर्मा और नीरू शर्मा के पास नेनवा ऑफिस में 70,000 रुपये जमा करवा दिए थे, जिस उन्हें रसीद देकर 15 दिन में सामान देने का टाइम बताया गया। लेकिन नियत समय पर ऑफिस पहुँचे तो आरोपी ऑफिस बंद कर भाग गए। वहीं एक और परिवार ने भी अपने साथ इसी प्रकार की घटना होना बताया, जिस पर दोनों परिवारों ने पुलिस में भी मामले की रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने से खुद ही 8 महीनों से आरोपियों को ढूंढते फिर रहे हैं। परिजन संस्थान के जयपुर ऑफिस भी गए, लेकिन उन्हें ना तो पैसे वापस दिए गए, ना ही सामान दिया गया। पिछले 8 महीनों से बेटियों की शादी रोकनी पड़ी। पीड़ित परिजनों द्वारा मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सहित नेनवा पुलिस उपाधीक्षक और नेनवा थाने में भी मामले की रिपोर्ट दी गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। वहीं पिछले 8 महीनों से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर अब तक सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं। वहीं देखने वाली बात यह है कि कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। संवाददाता गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला था? मामला ये था सर, जो ये कंप्लेंट छुपवाया रखा था वहाँ जयपुर वाला ने देवेंद्र गुप्ता ने, और देवेंद्र गुप्ता ने पर्चे छुपवा के मेरे से पैसा ले लिया यहाँ पर नैनो में। कितने? 70,000 रुपये। किसने लिए नैनो में पैसे? राजकुमार शर्मा था इसका ये काम करने वाला, वहाँ से रखा था इसने यहाँ पर नीरू राजकुमार शर्मा। किस लिए लिया है पैसा? 70,000 रुपये। किस लिए लिए? दहेज के लिए लिया था सर, दहेज के लिए लिया था पैसा के। आपको दहेज 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाएगा और आप पैसे जमा करा दो यहाँ पर 70,000 रुपया। और 70,000 रुपये मैंने जमा करा दिया, और नहीं तो मेरा दहेज 9 महीना हो गया मेरे को ये ढूंढते फिरते हुए, मेरे को चक्कर काटते हुए, और यहाँ से फरार हो गया वो, यहाँ से भग गया। और यहाँ से मेरे कोई सुनाई नहीं हो रही, पुलिस में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं डिप्टी साहबगुड़ जो है, मैं दबदाना थाना में जया, मैं वहाँ SP साहबगुड़ जया, मैं सारे फर्क लिया, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। और मेरी बच्चे की शादी रुक गई, और बच्चे को अब ऐसा हो रहा है माहौल जो बच्चे खत्म होने को जा रही है। आपका नाम क्या है? महावीर है मेरा नाम, महावीर एकर, गांव रुणीजा। सर क्या मामला था? राजकुमार शर्मा ने मेरे 70,000 ले गया, और यहाँ पर बच्चे की शादी के लिए 70,000 लेके भेज के लिए, और फांसो खाई भी नहीं दिया साहब। तो उसे बात किया आपने? उसे बात उसके बाद अच्छी भाई भेज दूंगा। अच्छा, भेज भी नहीं दिया सर। अच्छा, फिर क्या किया आपने? रिपोर्ट दर्ज करवाई? रिपोर्ट दर्ज करी, कोई नहीं सुनी। बूंदी रिपोर्ट दर्ज कराई, वहाँ भी नहीं सुनाई करी। न्याणवा कराई, वहाँ भी नहीं सुनाई करी। दबदाना कराई, वहाँ भी नहीं सुनाई करी। आपका नाम क्या है?